प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम एक कॉमन टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ डिस्कस करेंगे, जो आपको बहुत क्या आने वाले हैं, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज सी द व्हाइट बोर्ड। तो एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा इनका क्या होगा, कॉमन मल्टीपल होगा। तो जैसे कि हमने नंबर ले लिया 5, 10, 15, तो ये तो पता ही है आपको, 5 के टेबल पे कटेंगे तो इनका कॉमन मल्टीपल। हम इन तीनों को इकट्ठा भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ये देखो, वैसे तो 10 है, 2 से भी डिवाइड होता है। इसका एक मेथड तो ये होता है कि सबसे पहले हम स्मॉल टेबल लेते हैं, तो 5 का 5 रह जाएगा और 2 5 का कितना होता है 10, 15 का 15। अब ये देखो, ये तीन नंबर 5 5, ये कोई ऐसा बताओ, अब 3 है, 3 से 15 कट कर देगा, पर 5 ऐसा नंबर है जो इन तीनों को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। पर हम पहले क्या लेंगे, स्मॉल नंबर 3, तो 5 का 5, 3 5 का 15। अब ये देखो 5, तो 5 1 का 5, 5 1 का 5, जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। फैक्टर्स का क्या होता है, जो पूरा पूरा कट हो जाए, कोई रिमाइंडर ना बचे, डिवाइड में आता है ना, जो पूरा पूरा कट जाए, यानी कि रिमाइंडर क्या हो, हमारा जीरो हो, ठीक है। तो अब इसके ये आगे फैक्टर, इसका एचसीएफ, आगे हम एचसीएफ भी पढ़ेंगे। अब ये देखो 2 3 5, 2 3 5, तो 2 3 का 6, 6 5 का 30, ये तो क्या हुआ इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ये 2 से भी कट होता है, 3 से भी और 5 से भी, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हुआ 30। इसको हम कौन सा मेथड कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि डिवाइड करके देखना पड़ता है हमें। इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये मेथड कहते हैं, जिसमें हम डिवाइड कर करके देखते हैं। अब ये नंबर, जैसे हमने 5, 10, 15 सारा तीनों नंबर्स को क्या ले लिया, इकट्ठा ले लिया, हम इनके अलग अलग भी कर सकते हैं, 5 का, 10 का और 15 का। तो पहले ये देखो, तीनों इसको 5 से कट किया, 5 1 का 5, यहाँ तो खत्म हो गया, 5 आ गया, और यहाँ पे 5 2 का 10, फिर 2 से करेंगे, 2 2 का 1, अब यहाँ पे करा 5 3 का 15, 3 3 का 1, तो इसके क्या फैक्टर बने, 5 के बने 5 into 1, ये इसके फैक्टर बन गए, और 10 के क्या बने 2 multiplication 5, और 15 के क्या बने 5 multiplication 3। अब देखो इनमें से क्या कॉमन आता है, हम क्या करते हैं, ये 5 को इधर ले लेते हैं, तो कौन सा कॉमन मल्टीपल आ जाएगा, 5 multiplication 2। तो इन तीनों नंबर में ये 5 क्या है, कॉमन, तो ये हुआ हमारा HCF। इसको हम क्या करेंगे, HCF कितना आया, 5, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये मैं आपको अभी समझाती हूँ कि ये क्या होता है, जो सबसे हाईएस्ट मीन सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। और LCM में हम क्या करते हैं, LCM में हम क्या करेंगे, एक तो इन तीनों में से कॉमन आ गया 5, और बाकी का क्या बचा, 1 1 को लिखने की जरूरत नहीं, 2 into 3, तो 5 2 का 10, 10 3 का 30, ये हुआ हमारा LCM, जैसे कि हमने ये करा, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, LCM और HCF, HCF क्या होता है, हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा हो, हाईएस्ट मींस बड़ा कॉमन, जो कॉमन हो, और F का मतलब क्या होता है, फैक्टर, जो हम फैक्टर बनाते हैं। तभी तो ये तीनों, जैसे हमने 5, 10, 15 लिया था, अब हम कोई नंबर और ले लेते हैं, जैसे कि हमने 8 लिया, 12 लिया और 14 लिया, ऐसे तीन नंबर ले लिए, तो हम इनको जैसे अलग अलग निकालते हैं, ये 8 12 14, तो हम इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM भी निकाल सकते हैं और HCF भी निकाल सकते हैं। तो देखो, पहले हम 2 से कट करेंगे, 2 4 का 8 होता है, फिर 2 2 का 2, फिर 2 का 1, यहाँ तक जब तक 1 नहीं आता। आगे हम इसको 2 6 का 12 होता है, 2 3 का 6, फिर 3 3 का 1, ठीक है। आगे इसके फैक्टर 2 7 का 14, फिर ये 7 पे ही जाएगा, तो ये आ गया। अब हम इसके 8 के इस तरह फैक्टर लिख सकते हैं, 2 multiplication 2 multiplication 2, 2 2 का 4, 4 2 का 8, ये हमने लिख लिया। आगे क्या है, 12, 12 का क्या लिखेंगे, 2 multiplication 2 multiplication 3,
आगे 14 को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लिकेशन 7। अब हम निकालेंगे अपना एलसीएम और एचसीएफ। जो एचसीएफ होता है ये देखो, ये हम इकट्ठा भी निकाल सकते थे ऐसे, एलसीएम में तो हम ये इकट्ठा इस तरह भी निकाल सकते हैं। ये देखो मैं ये भी बताती हूँ, जैसे कि ये ऐसा नंबर है ये 2 पे, देखो 2 4 का, 8 2 6 का, 12 2 7 का ये। अब ये देखो ये फिर से 2 पे जाएगा पर 7 नहीं जाएगा, तो ये देखो 2 2 का 4, 2 3 का 6, ये 7। अब किस पे जाएगा, 2 पे, क्योंकि 2 1 का 2, 3 और 7 ऐसे ही, फिर 3 जब तक 1 नहीं आता, फिर 1, 3 1 का 3, 7 ऐसे ही आ गया, फिर 7, ये 1 1। एलसीएम में हम ऐसे निकालते हैं तीनों का ये लॉन्ग डिवीजन, पर एचसीएफ में इसमें हम क्या निकालेंगे, पहले एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हमें ये अलग अलग नंबर्स को करना पड़ता है। अब ये देखो ये 2 तो इन तीनों में क्या हो गया, कॉमन। अब ये 2 2 है पर इसमें नहीं है, फिर 3 इसमें है इन दोनों में नहीं है, 7 इसमें है पर इन दोनों में नहीं है, पहले तो हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा क्या आया, 2, यानी कि 2 ऐसा नंबर है जो इनको क्या करता है, पूरा इनका क्या है, कॉमन फैक्टर है, जो 2 ऐसा कॉमन फैक्टर है जो इनको कट करता है। अब जैसे 4 है, 4 पे ये 2 टेबल करते हैं पर 14 नहीं करता, आगे 6 पे ये अकेला नंबर और ये 7 पे अकेला नंबर, तो 2 ही ऐसा नंबर है जो इन दोनों को कट करता है। 4 पे ये 2 टेबल दो नंबर्स कट करते हैं, 14 नहीं। अब इनमें देखो इनमें क्या है, ये हम सारी मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लिकेशन 2 3 7। अब ये देखो 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 3 का 24, और 24 को 7 से करेंगे, ये देखो 7 4 का 28 होता है, 28 का 8, 2 यहाँ पे स्मॉल कैरी में, 7 2 का 14, 14 2 का 16, तो 168 आ गया। अब हम इसमें भी हम एलसीएम निकाल सकते थे, वो कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारा कॉमन आया 2, ठीक है, और बाकी के ये क्या रह गए। अब इनमें और कॉमन क्या है, इन दोनों में 2 आता है, 1 2 यहाँ पे निकल गया, और क्या रह गया, 2 3 7 ये निकल गया। अब इनको मल्टीप्लिकेशन करो, 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 3 का 24, 24 7 का 168। हम यहाँ से भी एलसीएम निकाल सकते हैं या ये वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो समझ आया, एक ऐसे भी कर सकते हैं एलसीएम। अब आपको एक बात समझ आई, एचसीएफ में क्या है, ओनली कॉमन आता है, कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल यानी कि 2 का टेबल। एचसीएफ में सिर्फ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन तीनों को, तीनों नंबरों को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, क्या है नंबर, वो 2 नंबर है। और इसमें एलसीएम में क्या होता है, कॉमन तो आता ही है, और जो बाकी के नंबर्स रह जाते हैं उनकी भी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, ये होता है हमारा एलसीएम। तो बच्चों ये देखो, अब आपको समझ आया, इसमें हमने कॉमन देखना है, इसमें एलसीएम में कॉमन और जो रह जाते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा एलसीएम हुआ 168। तो बच्चों आपने ऐसे ही सम करने हैं, कोई भी नंबर ले लेना, चाहे उसमें इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर, हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले उनके टेबल्स बनानी है। बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका एक और भी मेथड होता है, जैसे कि हमने नंबर लिए थे ना 8 12 14, तो ये 3 नंबर हैं, तो 3 इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 14। 14 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। ऐसे आपको डिवाइड करना भी आ जाएगा। एक मेथड तो मैंने आपको बता दिया, वो प्राइम फैक्टराइजेशन का। अब 12 है, 12 1 का 12, 12 2 का 24, तो 24 आ नहीं सकता, 14 क्या है, स्मॉल नंबर, तो 12 1 का 12, तो 4 में से 2 गए 2, 1 में से 1 गया 0। अब हम 2 को किससे करेंगे, ये नंबर से, 12 से। हमें पता है 2 6 का क्या होता है, 12, यानी कि 12 और 14 का फैक्टर तो क्या हो गया, 2, यानी कि दोनों किस पे करते हैं, 2 पे। अब हमारे पास नंबर कौन सा है, 8, तो अब हम इसी 2 को 8 से भी करेंगे, हमें पता है 2 के टेबल में आता है 8, 2 4 का 8, तो इसका HCF कितना हुआ बच्चों, 2। तो ये एक ये भी मेथड है, इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइड का मेथड। जैसे कि हम डिवाइड करते हैं पहले सबसे बड़े नंबर को, फिर उसके स्मॉल नंबर से, फिर सबसे छोटे नंबर को, तो इनका ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 2। अब कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि ये देखो, अब हमने लिया 15 13
16। अब हमने इसमें 16 नंबर ले लिया, तो सबसे पहले 16 से किसको डिवाइड करेंगे, 30 को 60 से। 31 का 30 यानी कि 3 का टेबल भी कर सकते हो, 0 तो वैसे ही लगा सकते हो। तो 31 का 13, 32 का 16 यानी कि 2 पे कट हो गया, तो ये तो बन ही गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस 30, अब इनमें ये तो ऐसे ही कट हो गया, अब रह गया 15। अब हमारे पास 13 तो भी कट होगा जैसे कि हमने वो करा था, अब हम 15 और 13 को ले लेंगे। 15 का 15, 15 का कितना होता है 30, तो इसका HCF क्या हुआ 15, यानी कि 15 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को क्या करता है, डिवाइड करता है, ये इनका कॉमन फैक्टर आ गया। अब कोई और स्मॉल नंबर देखो, एक और भी मेथड होता है, जैसे कि मैंने ये लास्ट वीडियो में भी समझाया था, जैसे ये 15, 30, ये 45 जैसे हमने ले लिया, तो 15 के हम ऐसे बना लेते हैं, 15 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 3। फिर ये तो दोनों प्राइम फैक्टर हैं, इनके तो यहाँ पे ऐसे ही बनेगा, यानी कि 15 के क्या हो गए हमारे 3 × 5। अब हम 30 का बना लेते हैं, 13 के क्या बनेंगे, पहले 6 × 5 का 30, फिर 6 के क्या बन जाएंगे 2 × यहाँ पे 3 × 5 ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि इसके क्या हो गए 2 × 3 × 5। ये हुआ हमारा 30 का। आगे 45 के बना लेते हैं, 45 को 15 3 का, तो 15 के क्या बनेंगे, पहले 3 × 5 3 ऐसे ही आ गया, तो 3 × 5। ये भी हम फैक्टर मेथड से, जैसे कि मैंने आपको कहा था ऐसे भी कर सकते हो, उसमें हमें ज्यादा, तो ये होता है ट्री मेथड। ऐसे इसके फैक्टर पर फैक्टर्स हमें आने चाहिए। अब देखो 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 14, ये 45 भी बन रहा है, 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, और ये 3 × 5 का। अब आपको कॉमन क्या लग रहा है इसमें, देखो 3 × 5 = 3 5 3 5, तो आ ही रहा है इनका 15 आ रहा है, तो HCF कितना हुआ 15। तो समझ आया बच्चों, ये कुछ मेथड है HCF के। ऐसे ही मैंने आपको LCM का बताया था, LCM में क्या होता है कॉमन भी आ जाते हैं, और जो कॉमन फैक्टर भी होता है, और जो बाकी नंबर्स भी रह जाते हैं LCM में, ये होता है। HCF में ओनली कॉमन फैक्टर, HCF में ओनली कॉमन फैक्टर। तो बच्चों आपने ऐसे कुछ सम्स की क्या करनी है प्रैक्टिस, तभी आपको ये टॉपिक समझ आएंगे LCM और HCF। इसके लिए आपको फैक्टर, डिवाइड, टेबल्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आपको ये मेथड समझ आएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको LCM और HCF समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे 4th स्टैंडर्ड के नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर। We'll be right back.